कंडाघाट में आज लोगों में भारी जनाक्रोश देखने को मिला और जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगे। आपको बता दें कि यह नारे सरकार या किसी उद्योग के खिलाफ नहीं लगे, बल्कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले एक निजी स्कूल के खिलाफ लगे। यह नारे स्कूल प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण विद्यार्थियों को मजबूर परिजनों ने लगाए। कंडाघाट में आज लोगों में भारी जनाक्रोश देखने को मिला और जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगे। आपको बता दें कि यह नारे सरकार या किसी उद्योग के खिलाफ नहीं लगे, बल्कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले एक निजी स्कूल के खिलाफ लगे हैं। यह नारे स्कूल प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण विद्यार्थियों के मजबूर परिजनों ने लगाए। परिजनों की माने तो स्कूल प्रबंधन ने कई गुना वार्षिक फीस में वृद्धि कर दी है, जिसे वे दे पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, और वे चाहते हैं कि स्कूल फीस में की गई बढ़ोतरी को वापिस लें, अन्यथा वे अपना प्रदर्शन और भी उग्र करेंगे। अधिक जानकारी देते हुए परिजनों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हम डीएवी स्कूल के पेरेंट्स हैं और हम यहाँ फीस वृद्धि के को लेके सब सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए हुए हैं। हमने पहले भी जो है वो प्रिंसिपल मैम को कहा था, थोड़े से पेरेंट्स गए थे पहले कि भाई हमारी जो है वो फीस वृद्धि के बारे में बड़ी वो है, तो आप इसको कम कर दो, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उसके बाद हम एसडीएम सर के पास गए, डीसी सर के पास गए, उन्होंने भी वो लोग भी जो है एसडीएम साहब और डिप्टी कमिश्नर जी यहाँ आए, उन्होंने हमारी पीटीए की कमेटी गठित की, लेकिन ये जो है मैम उस पीटीए की कमेटी को भी इनकार कर रहे हैं और ये कहते हैं कि पीटीए बोलते मैं इसको मानती नहीं हूँ कि ये क्या चीज़ है, और फीस वृद्धि के इन्होंने कोई वो हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मतलब सर आज हम फीस भी जमा नहीं करवाएंगे और अभी हम इनसे ये लिखित रूप में लेना चाहते हैं कि ये इनकार कर दे कि मैं पीटीए को नहीं मानती हूँ। सबके सामने सबकी सहमति से जो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सेकेंडरी है उनकी मौजूदगी में एक पीटीए का गठन किया गया कि भी इस पीटीए की कमेटी जो है उसमें 7 मेंबर जो है हम पेरेंट्स की तरफ से और 4 मेंबर स्कूल्स की तरफ से चुने गए कि भी ये कमेटी जो है फीस व अन्य मुद्दे जो भी है हमारे स्कूल के उनको सुलझाएगी। जैसे यहाँ पीने के पानी की समस्या है, टॉयलेट्स गंदे हैं और कई सारी समस्याएं हैं, ग्राउंड नहीं है स्कूल में, तो उसके लिए वो सारी चीज़ समझाई जाएगी। उस दिन ये गठन हुआ और हमारी एक मीटिंग जो है 23 मार्च को बुलाई गई कि जी आप स्कूल प्रशासन द्वारा एक दिन पहले हमारे को बताया गया कि अगले दिन मीटिंग है और मीटिंग में आइए आप। हम 23 मार्च को शनिवार को मीटिंग में गए तो स्कूल प्रशासन की और जो प्रिंसिपल थी और जो उनके मेंबर थे, तो प्रिंसिपल साहिबा ने हमारी पीटीए को मानने से ही इनकार कर दिया कि जो उपनिदेशक की अध्यक्षता में जो आपकी कमेटी गठित की गई है जिसमें एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब भी प्रेजेंट थे, ठीक है ना, वो जो है वो मैं उस कमेटी को नहीं मानती। तो हम आज इसके विरोध स्वरूप जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने हमारे को कोई रिटर्न में भी नहीं दिया। आज हम इनको बुलाएंगे और हम इनसे डिमांड करते हैं भी आप हमें लिखित रूप में दे दीजिए कि हम आपको जो है पीटीए मानने से इनकार करते हैं, फिर हम उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मामले को सुलझाने के लिए एसडीएम कंडाघाट, शिक्षा निदेशक, अन्य अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन के समक्ष पीटीए का गठन किया गया था, लेकिन जब परिजन मीटिंग के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने एसडीएम द्वारा गठित की गई पीटीए को ही मानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सभी परिजन दोबारा से प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही स्कूल अपनी मनमानी को खत्म करे, अन्यथा वे अपने प्रदर्शन को और भी उग्र करेंगे। वहीं एसडीएम कंडाघाट ने भी इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले स्कूल के मामले को सुलझा लिया गया था। वहीं एसडीएम कंडाघाट ने भी इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले स्कूल के मामले को सुलझा लिया गया था और सभी की सहमति से पीटीए का गठन कर दिया गया था, लेकिन अब स्कूल प्रबंधन इस निर्णय का आदर नहीं कर रहा है, जिसकी सूचना उपायुक्त सोलन विनोद कुमार को की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सभी स्कूलों में पीटीए होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ स्कूल सरकारी आदेशों की अवमानना कर रहे हैं, जिस पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राइट टू एजुकेशन और अन्य जो भी सरकार के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि पीटीए का गठन जो है वो हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को करना अनिवार्य है।
परंतु दयानंद आदर्श विद्यालय कंडा घाट में ये गठन अब तक नहीं हो पाया था, जो उस दिन जो है वो 20 तारीख को इनके स्कूल में जाकर और सभी पेरेंट्स के साथ जुड़ के इस पीटीए का गठन करवाया गया था। अब स्कूल प्रशासन क्यों इस पीटीए को जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा है, इस बारे में जो है वो पता लगाया जाएगा और स्कूल प्रशासन से भी बात की जाएगी। मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो मुद्दे चाहे फीस वृद्धि के हों चाहे कोई अन्य मुद्दे हों स्कूल के, वो स्कूल जो है वो प्रशासन अपने पेरेंट्स के साथ जो मिलकर जो उनके यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ मिलकर सभी मुद्दों का हल जो है वो एमिकेबली उसका सॉल्यूशन कर ले। परंतु यहाँ पर कुछ इस तरह से लग रहा है कि स्कूल प्रशासन जो है वो अपना अलग दिशा में जा रहा है और पेरेंट्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की, परंतु स्कूल प्रशासन जो है वो जो वांछित सहयोग है वो इन लोगों को प्रदान नहीं कर रहा है, जिसके बारे में सूचना माननीय उपायुक्त महोदय को आज प्रेषित की जा रही है। आज भी इन्होंने अपना प्रदर्शन किया और कोशिश की टीचर्स के साथ मिलने की, परंतु आज भी ये मेरे पास मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आज भी स्कूल प्रशासन की तरफ से इनसे कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ और उन्होंने अपने दरवाजे जो है वो बिल्कुल बंद रखे थे। इस बारे में भी इनसे जानकारी ली जाएगी और जो भी उपयुक्त कदम है इस संबंध में वो सरकार के ध्यान में लाकर उठाए जाएंगे।